फिर उसको बात करते हैं नालको की, यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की। 80 रुपए का स्टॉक हो चुका है आज, 8% की ग्रोथ है। कल 6% के आसपास की गिरावट थी, लोगों ने बहुत मैसेजेस किए कि यार नालको गिरावट में क्यों है। हमने तब भी कहा था, हम अभी भी कहेंगे कि नालको एक बाइंग स्टॉक है, यहाँ से भी बाय करते हैं तब भी आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। बात करेंगे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, कितना टारगेट होना चाहिए, कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है इस स्टॉक में, और अगर आप लॉस में है, आपने हायर पॉइंट पर बाय कर लिया है, तो क्या आपका लॉस रिकवर होता हुआ दिखाई देता है या नहीं, वो भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें नालको की, तो नालको एक अच्छी कंपनी है, एल्यूमिनियम में काम करती है, और जिस तरह से इंडिया सेकंड वेव से बाहर आया है और थर्ड वेव को हम टक्कर दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 40-45 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो जा चुका है। 3 से 4 छोटे सिटीज हैं जहां पर पूरा 100% वैक्सीनेट किया जा चुका है साउथ की, और अभी हम थर्ड वेव के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं हम उससे, और हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप वैक्सीनेट हो चुके हैं तभी मास्क वगैरह पहने, हालांकि बट स्टिल इंडिया अब रेडी हो चुका है और दोबारा से उस तरह का लॉकडाउन देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से डेवलपमेंट मोड में इंडिया घुस रहा है, और ऐसे में जो मेटल सेक्टर है हमारा, या जो डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं हमारे, चाहे सीमेंट का हो गया चाहे मेटल्स का हो गया, ये दोनों ही सेक्टर्स अब तेजी से ग्रो करने वाले हैं। रियलिटी सेक्टर भी आप देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ उसमें भी देखने को मिलेगी आपको आने वाले दिनों में। बात यहाँ पर नालको की करें तो आज का चार्ट बहुत गजब का रहा है। यहाँ पर डेली चार्ट में गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद स्टॉक ने लगातार हायर हाइज लगाए हैं, डे के हाई पर बंद हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो स्टॉक में अभी भी जान है, जो गिरावट में था स्टॉक अभी तेजी आनी बाकी है, और 107 रुपए का टारगेट भी है, वो बताऊंगा मैं उस बारे में डिटेल में। पर जो स्टॉक था आपका, देखिए जहां पर मैंने आपको बाउंस बैक करने के लिए बोला था, स्टॉक वहीं से बाउंस बैक किया है एकदम, और एक अच्छा कैंडल बना है, हैमर कैंडल बना हमारा यहाँ पर, और उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी मूव दिखाई है। यहां से ऊपर जाने की संभावना बेहतरीन है और यहां से स्टॉक आपका भागता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर के, नालको में खरीदारी करने की सलाह क्यों है मेरी आपको। आज का चार्ट बहुत अच्छा रहा है, खरीदारी बहुत तगड़ी हुई है, वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत अच्छा है। क्वार्टर वन के रिजल्ट की बात करते हैं सबसे पहले। अब देखिए होता क्या है, अक्सर कि हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि यार पिछले क्वार्टर में कितना कमाया था, और उसके बाद गिरावट होती है। कई बार 2800 करोड़ का रेवेन्यू था, 2500 करोड़ का रेवेन्यू इस बार है, कम हो गया। सेम यहाँ पर भी हुआ, मार्जिन में खासा गिरावट आई थी हमारे सामने, और नेट प्रॉफिट में भी लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 गुना ही था पिछली बार। तो ओवरऑल जो क्वार्टर वन रहा हमारा काफी खराब रहा, बट फिर भी स्टॉक में तेजी की उम्मीद की जा रही है। क्यों? बिकॉज दे नो कि यार सेकंड वेव जो था हमारा वो फर्स्ट क्वार्टर में ही आया था, और इसी वजह से लोग मानते हैं कि अगर फर्स्ट क्वार्टर में इतना बढ़िया प्रॉफिट किया है कंपनी ने, लॉस नहीं पोस्ट किया है, प्रॉफिट दिया है कंपनी ने, तो अगली यानी क्वार्टर टू में कितना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है नालको, और इसी वजह से फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से इस कंपनी में बेट किया जा रहा है। ये सेकंड रीजन है, फर्स्ट रीजन अभी भी वही है कि डेवलपमेंटल मोड में इंडिया घुस रहा है, और ऐसे में आपको पैसा लगाना चाहिए उन स्टॉक्स में जो कि हेल्प करने वाले हैं हमारे इंडिया को डेवलप करने के लिए, ठीक है। चाहे सीमेंट हो, चाहे मेटल हो, चाहे रियल्टी हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो आपके सामने जो कि आप मानते हैं कि ये आपका सपोर्ट करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वहां पर पैसा लगाना आपका पैसा बना सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आया, एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही आएगा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने नेगेटिव भी दिया था, बट यस अभी जब रिजल्ट आ चुका है तो आपके सामने है कि जून में अच्छी परफॉर्मेंस नालको ने दिखाई है, और इसी की उम्मीद भी थी। सेकंड चीज ये थी हमारी। थर्ड चीज की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालोगे तो FII FPI ने पिछली बार भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था, इस बार भी जून क्वार्टर में भी अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है उन्होंने, ठीक है। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी इंक्रीज है। आप देखिए दिसंबर में 7.22 थी, मार्च में 8.38 थी, उसके बाद 8.64 थी, तो लगातार तीन क्वार्टर से FII अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहे हैं, और ये बड़ा कारण है कि आप भरोसा कर सकते हैं किसी भी कंपनी पर। जब वो 80 रुपए 85 रुपए 90 रुपए की बिक रही थी तब भी दे वर बाइंग और स्टिल दे आर बाइंग, तो ये दिखाता है कि FII FPI को तो भरोसा है ही। डोमेस्टिकली भी म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है, क्योंकि नालको जैसे मैंने बोला ना कि सेकंड वेव अब स्टार्ट खत्म हो गई, अब थर्ड वेव का इंतजार है, वहां हम अच्छे से लड़ने वाले हैं। अब आपके सामने मौका है ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाने का जहां पर आपका पैसा 50%, 60%, 70% बढ़ सकता है, ठीक है। अब जो टारगेट्स आ रहे हैं वो इसी तरह के आ रहे हैं। आप देखिए कि अशोका बिल्डकॉन का टारगेट आया 77%, आप स्टॉक बिक रहा है आपका 90 रुपीज का, और जो टारगेट आया है वो 170 का आया है, 180 का टारगेट आ रहा है, तो वही एक स्टॉक आपके सामने नालको भी है।
जहां का जो टारगेट है वो है हमारे सामने मोतीलाल ओसवाल का 107 रुपए का टारगेट है। अगस्त 11 की खबर है और अगस्त 8 की रिपोर्ट है, तो अच्छी खबर है, अच्छा टारगेट है। बाय करने की सलाह मेरी भी रहेगी आपको यहाँ पर। चार्ट पैटर्न में अगर हम देखें तो एक बाउंस बैक ले लिया है स्टॉक ने, दो साइन है यहाँ पर। आप देखिए पहला हमारा हैमर कैंडल बनता है ये वाला कैंडल, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो अब दोबारा से कंफर्मेशन कैंडल भी हमारी आ चुकी है, तो यहाँ से अपर की जर्नी तो चालू हो जाएगी। ये दूसरी साइन है कि आपको बाय करना चाहिए। थर्ड रीजन, मैग्डी आपका न्यूट्रलिटी से बुलिश बना रहा है, और बुलिश कैंडल जब भी इस तरह की बनती है तो वहां से आपको बाइंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आरएसआई भी अच्छे मूड में है, 46 का आरएसआई है, यहां से अगर बढ़ता है तो आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। बाय डिलीवरी की भी कर लेते हैं, 23 अगस्त 25% डिलीवरी, उसके पहले 32%, उसके पहले 37%, 28% वॉल्यूम बढ़ता है, डिलीवरी का परसेंटेज थोड़ा सा कम होता है, बट नंबर ऑफ शेयर्स बॉट वो बढ़ जाता है। तो 7.7 मिलियन शेयर्स कल भी बाय किए गए थे 23 अगस्त को, आज का भी नंबर्स कुछ ऐसे ही है हमारे सामने। अच्छी बाइंग, डिलीवरी अच्छी, मार्केट सपोर्ट कर रहा है, मार्केट के नंबर्स अच्छे हैं, तो खरीदारी की जा सकती है स्टॉक में, ठीक है। मार्केट का मूड भी काफी सुधरा है पिछले दिनों से, अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट में आज सारे इंडेक्सेस में ऑलमोस्ट पॉजिटिविटी देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट ने सस्टेन किया है अपना लेवल। तो नालको में 107 का टारगेट लेकर के बाइंग की जा सकती है, बाइंग कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है, 5% से ज्यादा का कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है, तो एवरेज करने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि छोटा स्टॉक है और इस समय पर आप देखिए फंसने वाली बात हमेशा रहती है, और ये स्टॉक भी आपको थोड़ा सा धोखा दे सकता है, इन द सेंस कि मार्केट में FII FPI का डेटा देखें तो DII तो खरीदारी कर रहे हैं बट उतनी ही बिकवाली FII कर रहे हैं, तो मार्केट को न्यूट्रल रखा जा सकता है कुछ दिनों के लिए। नालको भागेगा ये तय है, बट थोड़ा सा टाइम ले सकता है इस पॉइंट पर, ठीक है। 82 क्रॉस करता है उसके बाद भी खरीदारी की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 89 का है, अच्छे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट अच्छा है, ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस को, भागेगा, खरीदारी कीजिए, अच्छा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। डिलीवरी हो गई आपके सामने, टारगेट्स हो गए आपके सामने, कुछ सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना, कोई और स्टॉक में फंसे हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, टारगेट्स के बारे में, गिरावट के बारे में, या कोई खबर के बारे में। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू। Go back.